नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट न्यूज़ इंडिया में। और बात करें हम आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में। जी हाँ, तकरीबन 2 साल बाद महाराष्ट्र में सभी तरह की कोरोना पाबंदियों को 2 अप्रैल यानी कल से पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। बता दें, कल गुड़ी पड़वा है और एक शुभ दिन और एक नए साल की शुरुआत हो रही है और एक नई चीज़ से। जी हाँ, यानी कोरोना की जो यादें हैं वो भी कल से मिट जाएंगी पूरी तरह से, क्योंकि सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है कैबिनेट में और इसकी मुहर भी लगा दी। बता दें, पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई शहरों में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिले, जिसके बाद यह फैसला उद्धव सरकार ने लिया। हालांकि पहले ही काफ़ी हद तक प्रतिबंध हटा दिए गए थे, लेकिन स्कूल, थिएटर, मॉल, रेस्टोरेंट, पार्क, ऑफिस खोल दिए गए थे। वहीं रोजमर्रा की कामकाज भी पटरी पर आना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी कहीं पर भी आपको जाने के लिए, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, लोकल हो, मेट्रो हो, मास्क लगाना ज़रूरी होता था। फेस मास्क होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी, अगर नहीं है तो आपको टिकट नहीं दी जाती थी, फाइन भी दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। चलिए हम आपको बता देते हैं 2 अप्रैल से क्या क्या बदलेगा महाराष्ट्र में। 2 अप्रैल से महाराष्ट्र में सभी कोरोना प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। गुड़ी पड़वा की शोभ यात्रा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती, रमजान के उत्साह को पूरी तरह से आप मना सकेंगे। मास्क और सामाजिक दूरी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का जो था वो भी हटा दिया गया है। होटल, पार्क, जिम, सिनेमा, शैक्षणिक संस्थान, अंत्योष्टि में उपस्थिति की कोई सीमा नहीं होगी, यानी जितने चाहे उतने लोग जा सकते हैं कहीं पर भी। बस, लोकल और ट्रेन में यात्रा करते समय वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, पहले आपको टिकट लेने से पहले एक बार वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना होता था, अब वो भी सीमा हटा दी गई है कल से। सार्वजनिक स्थानों, मॉल, बगीचों में मास्क पहनने या टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी पार्क में जाने के लिए भी आपको कोई भी नियम, जी हाँ दोस्तों, फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ 2 साल पहले रिवाइंड हो चुका है, यानी जैसे कोरोना था ही नहीं, सब कुछ एक बार फिर से कल महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो 2 अप्रैल का इंतजार कीजिए, एक नए साल की शुरुआत होगी और एक नए त्योहार के साथ।